Welcome to another episode of Rewind powered by ICICI Prudential Mutual Fund. के टॉप थ्री ऑलराउंडर्स तो हमने देख लिए, अब जानेंगे 2020 के टॉप थ्री ऑलराउंडर्स हमारे अकॉर्डिंग कौन होंगे। हमारी पहली ऑलराउंडर होगी डेनी वैन निकल। मैच नंबर 4, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का मैच, जहां पर इंग्लैंड बैटिंग करते हुए शुरुआत से ही स्ट्रगल करते हुए नजर आई और इंग्लैंड ने टोटल रखा 123 रन का। लेकिन डेनी वैन निकल, कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका, ने बैट से तो गेम को कंट्रोल किया, लेकिन गेंदबाजी से भी अपना कमाल दिखाया। अपने 4 ओवर में उन्होंने 2 क्रूशियल विकेट्स ली और लो टोटल चेस करते हुए बल्लेबाजी के वक्त उन्होंने 46 रन बनाए 51 बॉल्स में और अपने टीम को जीत दिलाई, और उसी के चलते वो बनी उस मैच की प्लेयर ऑफ द मैच और हमारी मल्टी एसेट प्लेयर। हमारी दूसरी प्लेयर होगी सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, जहां पर श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 127 का टोटल रखा न्यूजीलैंड के सामने और सोफी डिवाइन ने अपने 3 ओवर में एक सफलता अपने नाम की। सोफी डिवाइन की बल्लेबाजी उनकी हाईलाइट रही, जहां पर उन्होंने 75 रन 55 बॉल्स में बनाए और उनकी इसी इनिंग्स के चलते उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई और वो रही इस मैच की एक मल्टी एसेट प्लेयर। हमारी तीसरी प्लेयर होगी सुनीलिस। बात करें साउथ अफ्रीका के बैटिंग की तो सुनीलिस का कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए काफी बड़ा था, जहां पर उन्होंने 61 रन बनाए 41 बॉल्स में। उसी के साथ उन्होंने लिजल ली के साथ मिलकर 131 रन की पार्टनरशिप भी बनाई और साउथ अफ्रीका का टोटल बन गया 195 रन। और साउथ अफ्रीका के लिए सुनीलिस ने गेंदबाजी भी कमाल की दिखाई, जहां पर उन्होंने अपने 4 ओवर में 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली थाईलैंड की और थाईलैंड बस 82 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। उनके इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने अपनी टीम को जीत भी दिलाई और उसी के साथ वो रही हमारी मल्टी एसेट प्लेयर। ये थे हमारे 2020 के टॉप 3 ऑलराउंडर्स। अब हम मिलेंगे 2023 के टॉप 3 ऑलराउंडर्स आपके साथ लेकर, और आपको क्या करना है ये तो आपको पता ही है कि 2023 की आपकी फेवरेट मल्टी एसेट प्लेयर हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे रिवाइंड पावर्ड बाय ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में।